अदा करूँगी हमारे अजीत भाई को तो फाउंडेशन अरेंज किया और बाकी सब आप बहुत बहुत शुक्रिया। बात मदरसा की हो रही थी, तालीम की हो रही थी, तो हम आज उसी एंगल से ही बात करेंगे। मदरसा, तालीम, एजुकेशन, जब हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम की बात करते हैं, कभी भी सबसे पहले समझ तो लेके तालीम होता क्या है, एजुकेशन है क्या, अगर वो समझ जाएंगे तो फिर दीनी दुनियावी कभी कन्फ्यूजन हो गए, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आप दूसरों को अच्छे से जब ये बहस चलती है कि दीनी कि नहीं ये दीनी तालीम है दुनियावी तालीम है, इस बहस में कभी ज़िंदगी में फंसेंगे नहीं। एजुकेशन क्या है, कभी नेट पर सर्च किया है डेफिनेशन, व्हाट इज एजुकेशन, सर्च किया कभी? आपने बहुत तरह के डेफिनेशन देखा होगा, आपने देखा होगा एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दूसरा देखा होगा डेफिनेशन एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स स्किल्स मोरल वैल्यूज डिसिप्लिन एंड हैबिट्स, राइट। तो अगर हम दूसरे डेफिनेशन को लें कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑल दिस मोरल वैल्यूज डिसिप्लिन हैबिट्स सब कुछ, तो हम ये पाएंगे कि कौन सा दीनी तालीम है जो कुछ पढ़ाता नहीं है, कुरान क्या है क्या नहीं है, एकेडमिक्स इसको बोलिए, चलिए थोड़ा सा एकेडमिक्स का मैं होता है, कौन सा दीनी तालीम है जो आपको वैल्यूज़ नहीं सिखाता, वैल्यूज़ मतलब क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा दीनी तालीम है जो आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता कि वक्त को रुको और नमाज पढ़ो, अपने काम को सही वक्त पे करो। मुझे लगता है कि जो मदरसा होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा है, मुझे लगता है जो वैल्यूज़ है वो मदरसा के अंदर ज़्यादा है, मुझे लगता है कि जो आपके हैबिट्स है टाइम पे उठना सारा काम सुबह से शाम तक सारा काम टाइम पे करना ये ज़्यादा अच्छा मदरसा में। तो जब सब कुछ मदरसा में अच्छा है इसका मतलब जो कंप्लीट एजुकेशन तो मदरसा से ही आ रहा है, और कौन सा दीनी तालीम दुनियावी तालीम है जो आपको एकेडमिक्स नहीं दे रहा, दे रहा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब दे रहा है एकेडमिक्स, दुनियावी तालीम क्या आपको वैल्यू नहीं सिखाता, क्या सही क्या गलत सिखाता है ना, हैबिट्स नहीं सिखाता, टाइम से स्कूल से आना टाइम से स्कूल से जाना, तो जो चीज़ें दीनी तालीम है वही दुनियावी तालीम, और दीनी दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, सब तालीम एजुकेशन है। आप जब आप लीजिएगा तो आपको एजुकेशन लेना है, आपको एजुकेशन लेना है, वही मेन चीज़ें जो आपको चाहिए। अब इसमें आपको बोला कि एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड स्किल्स, अभी यहाँ पर एक नया मसला आ गया है स्किल्स का, जब उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे मदारिस के जो हैं उनको जॉब नहीं लग रहा है, तो जॉब आप एकेडमिक्स वालों को भी नहीं लग रहा था, इंडिया में सबसे जो अच्छा कोर्स माना जाता है क्या है वो इंजीनियरिंग है ना, जो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, मेडिकल में तो फिर भी 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 35,000 मुश्किल से सीट है गवर्नमेंट का, बाकी 35,000 आपका प्राइवेट मिला के 70-80,000 हो जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में आपको जानकर हैरानी होगी, जहाँ 4 साल दे रहे हैं, बहुत सारा समय पैसा घर खेत बेच कर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी 80% लोग बेरोजगार हैं, 100 में से 80% बेरोजगार हो गए, ये ऐसे दुनियावी एजुकेशन तो पूरा ले लिए वो भी बेरोजगार क्यों है, मदरसा वाले तो बेरोजगार है ही, वो बेरोजगार क्यों है? तो चाहे मदरसा वाले हो चाहे दीनी दुनियावी कोई भी हो, आपका जॉब आपके स्किल के बेसिस पे लगता है कि आप किस काम के हैं, एंड अगेन ये भी एजुकेशन के पार्ट में आता है। अगर आप सोचिएगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पहले कर लूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद जो है कंप्यूटर कोर्स कर लूँगा और जॉब ले लूँगा, जब आप पढ़ रहे हो तभी आपको अपना स्किल डेवलप करना है। और हमारे इंडियन पेरेंट्स ध्यान देना चाहूँगा, हमारे इंडियन पेरेंट्स उनकी मैंटेलिटी जैसी है वो वैसे ही रही, तो चेंज नहीं होगी, आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। कैसे है, जब आप पढ़ रहे हो
तो आप बोल रहे कि पापा 10 रुपया 100 रुपये चाहिए, नोटबुक लेना है, बोले बेटा 200 रुपये दे, पढ़ाई का काम पढ़ लो। आपके एकेडमिक्स तक वो पूरा साथ देंगे, लेकिन जिस दिन आपका एकेडमिक खत्म हो जाएगा आपको 100 रुपये नहीं देंगे, जाओ कुछ स्किल सीख करके आओ। बोले कि इतना तुमको पढ़ाई लिखाई अब क्या, जिंदगी भर पढ़ता रहेगा। और वो स्किल जिसके बेसिस पे आपको जॉब लगना था वो आपको नहीं मिला, 3 साल 4 साल नहीं मिला, बाद में बच्चे फ्री में कहीं काम कर रहे हैं, काम करने के बाद साल भर एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, उसके बाद जाकर कहीं जॉब लग रहा तब स्किल सीख करके। तो स्किल्स जो है वो कब सीखना है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक्स के टाइम पर अपने स्किल्स को डेवलप करना है। हैबिट्स कब बनाने हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। वैल्यूज कब सीखना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपना पढ़ाई जब आप स्कूल में हो सिस्टम में हो तो कंप्लीट एजुकेशन लेना है। सिर्फ एकेडमिक्स लोगे, एकेडमिक्स इज ओनली 13% ऑफ एजुकेशन, कितना 13% ऑफ एजुकेशन। तो जो इंसान इंजीनियर बन गया है MBA कर लिया है वो सिर्फ 13% एजुकेटेड है, मतलब वो जाहिल है, मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ। और कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आज मान लीजिए रोड पे किसी को पीट पीट कर मार दिया गया, ये ड्राइंग रूम में बैठ कर लोग ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा किया, एजुकेटेड है ये लोग नहीं, एकेडमिक्स ले लिया है, उनके अंदर वैल्यूज नहीं है, क्या सही और क्या गलत। माँ बाप गांव में पढ़े हुए हैं, छोड़ दिया और चले गए US यूरोप पैसे कमाने के लिए, यहाँ भी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले गए, पढ़ लिखे हैं ये लोग पैसा कमाने के लिए, और बूढ़ा माँ बाप पढ़ा हुआ फिर पढ़े लिखे हैं ये लोग, नहीं वैल्यूज नहीं है। तो एजुकेटेड ऐसे लोग नहीं कहते, एजुकेटेड लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो समझते हैं कि कौन से काम वो किस वक्त पे करना है, जिंदगी में डिसिप्लिन होता है उनका। जब सब कंबाइन एक साथ हम जब लेते हैं तब हम कहलाते हैं कि हाँ हम एजुकेटेड हैं। आपने देखा होगा जो DU के प्रोफेसर वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, बहुत सारे प्रोफेसर हैं ऐसे आपने देखा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी वो बच्चों को जिंदगी बनाने में लगा देते हैं। आपको क्या लगता है उनके पास ऑप्शन नहीं होगा क्या यूरोप जाने का US जाने का, जब आपको पढ़ा सकते हैं तो खुद पढ़ भी सकते हैं, पर उन्होंने ज़िंदगी को समझा, जो टीचर्स होते हैं वो ज़िंदगी को पढ़ते और समझते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनके अंदर वैल्यूज़ होता है। ये टीचर जो आपके लिए लड़ रहे हैं बात बात को लड़ते हैं, मार धक्का खाते जेल भी जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, क्यों कर रहे हो, उनको क्या नुकसान है, पर वो करें वैल्यू उनको समझ में आता है क्या करना क्या नहीं करना। ज़िंदगी में रखिएगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दीनी दुनिया को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एकेडमिक्स ज़रूरी है, एकेडमिक्स के लिए आपको मदरसा के बाद वापस आना पड़ेगा, लेकिन बाकी का एजुकेशन मदरसा में बहुत अच्छा मिलता है, हम डिनाई नहीं कर सकते, जो वैल्यूज है मोराल हैबिट्स है सब चीज़ें। आज साहब ने कहा कि कदीर साहब ने जो है एक बच्चे को एक मेडिकल में निकाल दिया, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, एक मदारिस का बच्चा ऑलरेडी एजुकेटेड था, वो पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ था, मतलब चीज़ों को लर्न करने की क्षमता उसके ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, उसके अंदर हैबिट था क्योंकि मदरसा से था, सुबह सुबह 4 बजे खाते धंधा मारते, सब कुछ था उसके पास, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं था ना, उन्होंने एकेडमिक्स पॉलिश किया काम हो गया। तो मुझे जैसा लगता है कि अगर एक मदरसा वाले बच्चे और नॉर्मल शहर के बच्चों को अगर आप इक्वल मेहनत करिएगा, एक मदरसा वाले बच्चे में कम मेहनत लगेगा कुछ बड़े बनाने में कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास बाकी एजुकेशन के जो पार्ट वो सब हैं। चलिए एजुकेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एजुकेटेड इंसान नहीं है तो किसी लायक नहीं। आपने बहुत सारे मिथ्स सुने होंगे, अरे पढ़ लिख करके जॉब नहीं लग रहा, सुना है ना, इस मिथ को मत पढ़िएगा, जो इंसान पढ़ा लिखा और काबिल है उसको देखिए, आज जॉब नहीं है 2 साल 3 साल बाद कुछ ना कुछ कर ही लेता है, कर वो नहीं पाते हैं जो 6th पास नहीं होते हैं। एक इंसान को 10th पास होना कितना ज़रूरी है, आप इस बात से समझ लीजिए कि आजकल ऑटो ड्राइविंग का जो लाइसेंस भी लेना तो भी 10th चाहिए। अगर आपको ऑटो ड्राइवर छोड़ दीजिए, गल्फ में जाकर मजदूरी भी करना हो, मजदूरी
उसके लिए भी टेंथ का लाइसेंस अभी टेंथ चाहिए, वरना पे पासपोर्ट भी इजी रहा नहीं लगता है। तो अब तो आप बाहर जाकर गल्फ में मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, इंडिया में ऑटो कार ड्राइव भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतर काम ये कर सकते हैं, पंक्चर बना सकते हैं। फेमस है पंक्चर वाला। क्यों? परसेप्शन कब बिल्ड होता है? जब कोई चीज़ 50% से ज़्यादा होता है। आप घूमिए पंक्चर वाले, पूछिए नाम क्या है, बता देगा भाई मुस्लिम है। हर पंक्चर वाले में दूसरा पंक्चर वाला मुसलमान परसेप्शन तभी बनता है। अलग ऐसा है दूसरे कम्युनिटी पंक्चर वाले नहीं है, लेकिन हमारे में ज़्यादा है। ये जब कम होगा तो ही परसेप्शन चेंज होगा। ये अभी भी अच्छी बात है, पंक्चर बनाना कोई बुरी बात नहीं है। फल बेचना, सब्जी बेचना, अकेले भी 50% मुस्लिम है, बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब ये पता चलता है कि हर तीसरा कैदी मुसलमान है। और मुझे लगता था कि इनको ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है। मैं गोवा से भी मेरे प्रोग्राम सारे वहाँ के जो हमारे स्टेट को चेयर किए, स्टेट के साथ में थे SI, उन्होंने बोला कि हम दिन भर 15 पकड़ते हैं चोर ना, उस 15 में से 12 मुसलमान होता है, मुसलमान से रूपये बोल रहा है। तो साहब क्यों ना करे, 10वीं तो पास है नहीं, जॉब तो लग सकता नहीं, तो क्या करेगा? सब्जी बेचने में इज्जत जाती है, पंक्चर वाले में इज्जत मेहनत लगता है, तो चोरी करते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी हिंदुस्तान के कई शहरों में सर्वे निकल आ रहा है कि 45 से लेकर 52% जो प्रोसेसिंग से वो मुस्लिम है। बच्चे को पढ़ाए नहीं, हमारे समाज ने क्या बोला, अपनी बहन बेटियों को संभाल लेंगे, पढ़ने का जरूरत है। उनको आँख में आँख डालकर बोलने का समय आ गया है कि आपने नहीं देखा, बड़ी बड़ी बात की हम संभाल लेंगे, लेकिन नहीं संभाला आपने। अगर संभाले होते तो हमारी बहनें रोड पे खड़ी नहीं होती, इसी बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। और इसलिए हमारी लड़कियाँ होती, मैं बोलता हूँ बेटा किसी भरोसा मत करना, ही मर्द पर अपना पढ़ाई करना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद लड़नी। और आपको भी आपकी बहन है, बेटी है, जो भी, उसे कहिएगा घर जाकर कि बेटा अपना पढ़ाई खुद करना, अपने पैर पर खड़े होना, किसी के भरोसे मत रहना कि मेरे पापा देख लेंगे, मेरा शौहर देख लेगा, कोई नहीं देखता है ऐसा। मुसलमानों में तो और बहुत हालत ख़राब है। आप तो मैं पुणे की बात करता हूँ, जो पुणे में कहते हैं कि सबसे स्टैंडर्ड गेटोज है, सबसे अच्छे मुसलमान वही रहते हैं गेटोज बस्तियों में, वहाँ भी यही हालत है। 3-3 शादी, 4-4 शादी, गंद मचा रखी है मुसलमानों की बस्तियों में, गंद मचा रखी है। क्यों? सिर्फ एक ही वजह है, तालीम से दूर होगी। अगर एजुकेटेड होते तो सब होता क्या? हमारा एक रोड है पुणे में, NIBM रोड, गोंडवा का रोड है, इस तरफ में ही गेटोज है जहाँ पर ज़्यादा लोग अनपढ़ रहते हैं, और इस तरफ में जो लोग पढ़ गए वो आ जाते हैं। अभी एक बार जाकर घूम कर आइए, आप देखिए क्या फ़र्क है दोनों में। जो पढ़ रहा है वो उठकर इधर फ्लैट हो गया। अभी यहाँ पर वही नालियों में पानी बह रहा है जैसे हमारा शाहीन बाग में बहता है। यहाँ वही हालत है कि जगह जगह पुलिस चौकी है, ढंग के एक भी स्कूल नहीं है, ढंग के अस्पताल नहीं है, लेकिन वहीं आप उस तरफ आ जाइए, हॉस्पिटल, पार्क, सब कुछ है। क्यों? सिर्फ तालीम मिल रहा है, लोग समझ जा रहे हैं। हमें वैसे ही तालीम लेना है और बेहतर ज़िंदगी करनी है, वरना ज़िंदगी भर समझ भी नहीं पाते हैं कि बेहतर ज़िंदगी क्या है। ये जो आप लोग रह रहे हो यहाँ शाहीन बाग में, जानवरों जैसी ज़िंदगी है ये, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मजबूर हैं रहने के लिए। क्यों? दो वजह है, एक तो जो पॉलिटिकल रीज़न है, दूसरा हमें पता ही नहीं अच्छा ज़िंदगी क्या होता है। तो ये आप स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हो। आज आप समझोगे कल आप एक नया बस्ती बसाओगे, एक नया जगह बसाओगे। स्टूडेंट में जितनी ताकत होती है शायद ही किसी के अंदर ताकत दुनिया को चेंज करने की। आप लोग ये कर सकते हो, और पूरी ज़िंदगी इस बात को समझना भी है कि जो है वो गलत हो रहा है। तो पढ़ना है सबसे पहली बात, इसमें कोई दोराय नहीं है। और हमारे पास आज पढ़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैसे पढ़ना है, हम लोग जैसे हमारा मेन काम है इस कॉलेज स्कीम। अब उसके लिए मन भाई टॉपिक पर आते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आप सब लोग टैक्स पे करते हैं? सब लोग टैक्स पे कर, टैक्स पे कर रहे हैं। 5 रुपये का बिस्किट, ये 5 का बॉटल, 10 रुपये की 2 रुपये टैक्स है ना। अभी जो टैक्स पे कर रहे हैं तो क्यों पे कर रहे हैं? कहते हैं कि आज़ाद और एक गुलाम में जो भी फर्क है, गुलाम को हम डांट कर दबा कर उसे पैसे छीन लेते हैं, वो गुलाम
काम किया।